महंगाई का सुनामी सर से गुजर गया। पीडीएम का मुल्कगीर एहतजाज का फैसला, तहरीक का ऐलान कर दिया। दीगर जमातों को साथ मिलाकर रैलियों और मार्च करने का प्लान। शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रबता। इत्तेहाद में शामिल जमातों का सरबराही इजलास कल इस्लामाबाद में तलब। अहम फैसले मुतवक्के। आए रोज महंगाई बम गिराने का सिलसिला जारी। नाअहल हुक्मरानों ने मुल्क IMF के पास गिरवी रख दिया। माशी तबाही से निजात दिलाने के लिए सड़कों पर आना होगा। पहले मरहले में हर जिले हेडक्वार्टर पर एहतजाज होगा, फिर अगला लाहे अमल तय किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान की मीडिया टॉक। अवाम महंगाई से लहूलुहान, मुआशी कत्ल बंद किया जाए। तब्दीली सरकार ने 3 साल कौम को धोखा दिया बताया जाए। बिजली, गैस, पेट्रोल और आटे चीनी की कीमतों पर IMF से मुजाकरात क्यों किए? शहबाज शरीफ का सवाल। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से बातचीत नाकाम रहने का दावा। IMF से मुजाकरात नाकाम होने की खबरें गलत। मामला जहां था वहीं है। सेक्रेटरी खजाना और इनकी टीम वॉशिंगटन में मौजूद। पीर से बातचीत दोबारा शुरू होगी। तर्जुमान वजारत खजाना मुजम्मिल असलम का मौके। बदतरीन महंगाई, वोट की इज्जत पामाल करने का नतीजा। अवाम खुदकुशियों पर मजबूर। हुक्मरानों को सिर्फ इकतदार बचाने की फिक्र है। कठपुतली मुसलत हो तो मुल्क का नुकसान होता है। नाजुक वक्त आ गया। हमें पार्टी के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ना होगा। मरियम नवाज का हवेलिया में नूली के सोशल मीडिया कन्वेंशन से खिताब। खान साहब को वॉर्न कर रहे हैं कि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज पे निकली है। अगले मरहला में मुल्क भर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सारे MNAs, टिकट होल्डर्स, MPAs, सियासी वर्कर्स अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज करेंगे। महंगाई की दुहाई, पीपल्स पार्टी भी मैदान में आ गई। मुल्क पर तब्दीली नहीं, तबाही सरकार मुसल्लत। कठपुतली का हर वादा झूठा निकला। अवाम के लिए जीना मरना मुश्किल हो गया। इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी। भगा कर ही दम लेंगे। अगली बारी जियालों की होगी। पीपी चेयरमैन की कराची में गरज बरस। बागे जना क्राउन में जलसा। सानहा कारसास के शोहदा को खिराज अकीदत पेश। कोई किसी गलतफहमी में ना रहे। पिछले दिसंबर में आपने कहा था अस्सलाम अलैकुम इमरान खान जा रहे हैं, कल आपने फिर कहा कल गए, कहीं नहीं जा रहे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से और नबी के सदके में इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। इमरान खान की हुकूमत को 3.25 साल हो गए हैं। आप अब कोई सियासी अखाड़ पिछाड़ करके, जोड़ो कराटे करके अपनी सियासी कब्र खोदेंगी। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी। ऑपोजिशन जूडो कराटे और उखाड़ पिछाड़ करके अपनी सियासी कब्रें खोदेगी। मरियम की तकरीर से इमरान खान को निकाल दें तो बाकी क्या बचता है। महंगाई पर काबू पाने की कोशिश करेंगे। शेख रशीद की मीडिया टॉक। तेल महंगा होने पर ऐसा प्रोपेगेंडा हो रहा है जैसे हम अलहदा सैयारे पर हैं। दुनिया में कीमतें ऊपर जाएंगी तो पाकिस्तान पर भी असर पड़ेगा। सारा मुल्क सब्सिडी पर नहीं चल सकता। फवाद चौधरी का प्राइवेट सेक्टर पर वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने पर जोर। PTI हुकूमत में चीनी, गंदम, फर्नेस ऑयल और अद्वियात जैसे माफियाज शामिल। हमने सस्ती बिजली दी, ये लोग फिर वापस आ गए। अवाम इनके हाथों यरकमाल बने हुए हैं। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हम नून लीगी दौर से कम फर्नेस ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ तहकीक के बाद बयान दिया करें। हमाद असर का जवाब। PDM चोरों और लुटेरों का टोला। ऑपोजिशन चोर मचाए शोर के फॉर्मूले पर अमल कर रही है।
महंगाई गुज़िश्ता हुक्मरानों का दिया हुआ तोहफा, मौजूदा हुकूमत गुरबत के खात्मे के लिए कोशा है, शाह महमूद कुरैशी का रद्देअमल। पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली की कीमतों में इजाफा मुस्तरद, शहर शहर मुजाहरे जारी, जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज, समाजी तंजीमें भी मैदान में आ गईं, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। महंगाई की दुहाई, 6 माह के दौरान आटे का थैला 210 रुपए महंगा, चीनी की फी किलो कीमत 3 रुपए 23 पैसे बढ़ गई, घी के नरखों में औसतन 47 रुपए फी किलो इजाफा, LPG, दालें और सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर, इदारा शुमारियात की रिपोर्ट सामने आ गई। नैब कवानीन में तरमीम, हुकूमत का अपोजिशन से फिर राब्ते का फैसला, स्पीकर कौमी असम्बली को टास्क मिल गया, असद कैसर हिजब इख्तलाफ के रहनुमाओं से राब्ते करेंगे, आइंदा हफ्ते पेशरफ्त मुतवक्के। हुकूमत को कम वसीला तबकात की मुश्किलात और मसाइल का एहसास, अवाम का मयार जिंदगी बुलंद करने के लिए मुतअद्दिद प्रोग्राम जारी, गुरबत का खात्मा तहरीक इंसाफ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का अज़्म। गवर्नर पंजाब का दौरा यूरोप, चौधरी सरवर और शहरियार आफरीदी की इटली में कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत, कश्मीरियों पर भारतीय मजालिम पर दुनिया को अपनी खामोशी खत्म करना होगी, आज नहीं तो कल कश्मीर जरूर आजाद होगा, गवर्नर पंजाब को यकीन। वजीर आला बलूचिस्तान, जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का मामला, BAP के नाराज अरकान ने हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी से हिमायत मांग ली, वफ़ की अब्दुल खालिक हजारा से मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात, आजम सवाती 21 अक्टूबर को जाती हैसियत में तलब, वजीर रेलवे को नोटिस भिजवा दिया गया। मुजफ्फरगढ़ के इलाके पीर जहानिया में अलमनाक सानहा, घर में आतिशदगी से एक ही खानदान के 7 अफराज जहां बहक, 4 बच्चे और 2 खातीन भी शामिल, जिंदा बचने वाले वाहिद शख्स का ससुरालियों पर आग लगाने का इल्जाम, तहकीकात जारी। कराची में एक और आतिशदगी, सदर के इलाके में आतिशबाजी के गोदाम में आग भड़क उठी, इमारत बुरी तरह मुतासिर, एक ट्रक और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। पंजाब में डेंगू बेकाबू, 24 घंटे के दौरान 459 नए मरीज सामने आ गए, सिर्फ लाहौर में 335 केस रिपोर्ट, रावलपिंडी में एक शख्स जान की बाजी हार गया, अमवात की मजमूई तादाद 19 तक पहुंच गई। लाहौर और गिरदोनवाह में स्मॉग के डेरे, आसमान पर धुएं के बादल, शहरी बीमार पड़ने लगे, माहरीन का एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने पर जोर। गलियात में वक्फे वक्फे से बारिश, अयूबिया नथिया गली और छांगला गली में बादल बरसने से मौसम सर्द, अस्तौर में पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली, गिलगेट स्कर्दू शाहरा लैंड स्लाइडिंग के बाइस बंद, सयाहों को मुश्किल का सामना। कोरोना के वार जारी, चौथी लहर मजीद 17 जाने ले गई, 24 घंटे के दौरान 720 नए मरीज रजिस्टर, मुल्क भर में 12,64,384 शहरी मुतासर, मुस्बत केसेस की शरह 1.6% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन, एक ही रोज 146 अफराद दम तोड़ गए, हलाकतों की मजमूई तादाद 4,52,000 से भी ज्यादा, 24 घंटे के दौरान 14,000 से जायद अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया कोरोना की लपेट में, हलाकतों की मजमूई तादाद 49,10,000 से तजावुज, 24 घंटे के दौरान रूस में 1,002 अमवात, अमेरिका में मजीद 464, ब्राजील में 472 अफराद दम तोड़ गए।
सऊदी अरब में कोरोना SOPs में नरमी, खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी खत्म। मस्जिदुल हराम में पूरी गुंजाइश के मुताबिक इबादत की इजाजत, नमाजियों के लिए मस्जिद की हदूद में मास्क पहनना जरूरी होगा। चीन ने खला से बमबारी के निजाम का नया तजुर्बा कर लिया। जौहरी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को रॉकेट के जरिए अगस्त में खला में भेजा गया। नया निजाम अमेरिका का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मफलूज करने की सलाहियत रखता है, बरतानवी अखबार का दावा। T20 वर्ल्ड कप की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मस्कत रंग और नूर में नहा गया। विमेन बैंड की शानदार परफॉर्मेंस, देखने वालों ने दिल थाम लिए। ओमान के सुल्तान और शाही मेहमानों की भी शिरकत, ट्रॉफी का नजारा। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच मेजबान ओमान ने पापुआ न्यू गिनी को 10 विकेटों से हरा दिया। 130 रन का हदफ 14वें ओवर में पूरा। आज के दूसरे मैच में बांग्लादेश और स्कॉटलैंड आमने सामने। बड़े मार्के के लिए बड़ी तैयारियां, कौमी क्रिकेट स्क्वाड के दुबई में डेरे। मुकामी होटल में दूसरे रोज भी जिम सेशन। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज का वार्म अप मैच कल शेड्यूल। गवादर में ऑफ रोड जीप रैली, चार खवातीन भी शरीक। सहराई और पहाड़ी ट्रैक पर महारत का शानदार मुजाहिरा। साहबजादा सुल्तान की गाड़ी कलाबाजिया खाती उलट गई। और खला में बनने वाली पहली फिल्म द चैलेंज का क्रू जमीन पर वापस पहुंच गया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 12 दिन गुजारने के बाद रूसी अदाकारा और हिदायतकार कजाकिस्तान में उतर गए।